हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्लासीफाई एंड एनुमरेट द रीसेंट यूजेज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। इसमें क्वेश्चन जो है वो बोला है कि न्यूट्रास्यूटिकल को क्लासीफाई करो और रीसेंट यूज लिखिए इसके। तो आइए बात करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल होता क्या है मैं आपको बता दूँ। अ न्यूट्रास्यूटिकल इज एनी सब्सटेंस कंसिडर्ड एज फूड और इट्स पार्ट विच इन एडिशनल टू इट्स नॉर्मल न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट इंक्लूडिंग द प्रिवेंट डिजीज और प्रमोशन ऑफ हेल्थ। न्यूट्रास्यूटिकल नॉर्मल न्यूट्रास्यूटिकल वैल्यू में हम कोई एडिशनल पार्ट ऐड कर देते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है और डिजीज को किल करता है, उसको हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। इसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई में ये छह टाइप के होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। द फूड सोर्स यूज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल आर ऑल नेचुरल एंड कैन बी कैटेगराइज एज। सबसे पहले जो डाइटरी फाइबर है, उसके बाद प्रोबायोटिक है, प्रीबायोटिक है, फोर्थ नंबर पे पॉली अनसैचुरेटेड सॉल्टी एसिड है, फाइव एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है और सिक्स आपका पॉलीफिनोल्स हैं। अब मैं इनको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी नई नई वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो डाइट्री फाइबर जो होते हैं क्या होते हैं, डाइट्री फाइबर कंसिस्ट ऑफ नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट एंड लिग्नोज दैट आर इंट्रिंसिक एंड इन प्लांट्स फंक्शन। फाइबर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट दैट हैव बेनिफिशियल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इन ह्यूमन। तो ये आपके डाइट्री फाइबर नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और ये आपके जो है फंक्शन होता है इसका, फाइबर कंसिस्ट आइसोलेटेड में होता है, नॉन डाइजेस्टेबल होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब आते हैं सेकंड में फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड क्या होता है, फंक्शनल फूड फोर्टिफाइड फूड आर एनहेंस्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड दे मेक्स द प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर सम टाइम्स एडिशनल कंप्लीटिंग न्यूट्रिएंट्स आर एडेड सच एज विटामिन डी टू मिल्क। इसमें जो फंक्शनल फूड जो होता है उसमें आप, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल में हम कुछ अदर बाहर से पार्ट ऐड कर देते हैं, एडिशनल पार्ट होता है नॉर्मल न्यूट्रास्यूटिकल में, इसमें वही प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं एन्यूमरेट द रेशनल यूज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। तो रेशनल यूज न्यूट्रास्यूटिकल के जो होते हैं, सबसे पहले होता है रिड्यूस ड्रग क्रेविंग, रिलीव एंजाइटी, इम्प्रूव मेंटल क्लियरिटी, एनहेंस स्लीप क्वालिटी एंड क्वान्टिटी, प्रोवाइड ऑन ओवरऑल सेंस ऑफ वेल बींग, और लास्ट में होता है आपका प्रिवेंट क्रोनिक डिजीजेज। तो ये जो मैंने आपको बताया ये होते हैं रेशनल यूजेज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में डाइटरी सप्लीमेंट और हेल्थ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि मेरे नोट्स ईजिली समझ में आ सकते हैं, आप एग्ज़ाम में ईजिली लिख सकते हैं। नोट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको नोट्स मेल कर दूंगा। अगर किसी भी भाई को किसी को भी चाहिए तो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू गाइस।